भाई थंबनेल देख करके बुरा तो लगा ही होगा, है ना, कि सर 33 में से 32 फेल, आप कौन होते हो बताने वाले। ओ भाई बुरा लगा तो क्या करोगे, डिसलाइक कर दोगे। मजाक कर रहा हूं भाई, डिसलाइक नहीं करना है, बात समझा रहा हूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है इस एग्जाम से जुड़ी हुई। आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने वाले हर 33 में से 32 छात्र निश्चित रूप से फेल होंगे। सवाल उठता है कि आप इनमें से हैं, इनमें से हैं, या उस एक बच्चे में से हैं जो इस परीक्षा को पास करेगा। तो ये अगर आपको समझना है तो फिर आप मेरे साथ रुक सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इन 32 में नहीं हैं, ऑलरेडी आप एक बन चुके हैं, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। वही तो मेरा उद्देश्य है, जो मैं चाहता हूं। तो चलिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये क्यों होगा और कौन सी वो बातें जिनको मान ले तो शायद ऐसा ना हो। ओ भाई तू शेर सिंह राणा को हराएगा, हराएगा तू शेर सिंह राणा को, इंडिया द कोट पाना है, आरएस प्री में सेलेक्ट होना है। ये सीन आप सबने भाग मिल्खा भाग मूवी में देखा होगा। ये सीन क्या बताता है, आखिरकार क्यों यहां पर ये कोच इस मिल्खा को बोल रहा है कि तू शेर सिंह राणा को हराएगा? क्या तू वो मेहनत कर पाएगा? क्योंकि उसे पता है कि अगर शेर सिंह राणा को नेशनल चैंपियन बनना है तो उसके सामने ये शेर सिंह राणा खड़ा है, तो मिल्खा तब जीतेगा जब शेर सिंह राणा से ज्यादा बेटर हो जाएगा। और उसके लिए, शेर सिंह राणा को हराने के लिए, जो हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ता है, मिल्खा को अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, अलग लेवल पर जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी को समझने की कोशिश आपको मेरे साथ यहां करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर इसके साथ तो कोच जी हैं, हमारे साथ कौन है? और आप कौन जो आप हमें ये बताओगे कि भैया इस शेर सिंह राणा को कैसे हराना है? तो भैया यहां तो ये जो कोच जी है ना, ये तो कोई नेशनल प्लेयर भी ना है, बट हाँ एक अच्छे मेंटर है और मोटिवेटर है। अच्छा मेंटर और मोटिवेटर और एग्जाम को समझने वाला बंदा हो ना तो आपको सब बता सकता है। खैर मेरी भी थोड़ी बात कर लेता हूं। इस जो प्रीलिम्स एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, इस एग्जाम को 4 बार दिया है, चारों बार क्लियर किया है, और हाँ क्लियर लोग भी करते हैं, लेकिन हर बार जब भी क्लियर किया मार्क्स को रेगुलरली इंप्रूव करते हुए किया। जैसे कि 2016 केवल एक नंबर से पास हुए, फिर 2018 चार नंबर से पास हुए, फिर बात आई जब 2021 की, तो उस एग्जाम में 23 नंबर से पास हुए, और जब बात आई 2023 की तो उसमें पास किया एग्जाम को पूरे 41 नंबर ज्यादा कट ऑफ से। तो भाई बताने लायक तो हूं, ठीक है, मेरा परिचय दे देता हूं। मैं कॉपरेटिव इंस्पेक्टर हूं, 2021 बैच से, और वर्तमान में जयपुर में पोस्टेड हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को थोड़ा समझ लें, थोड़ा समय दे लें, और ये देख लें कि कौन से 5 स्टेप्स हैं जिनको कंपलसरी आपको फॉलो करना है, क्योंकि बचे हैं दिन केवल 100, लगभग 100 के करीब आपके पास दिन हैं, और अगर आपने इनको भी जाया कर दिया तो फिर वेट करना होगा आपको पूरे अगले 2 साल, जिसके बाद आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो 5 स्टेप्स, कौन से वो 5 स्टेप्स हैं जिन्हें आप जो है अपना करके और इस एग्जाम को सफल रूप से क्रैक कर सकते हैं और मेंस में पहुंच सकते हैं। मैं मेंस क्लियर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि पहला गोल हमारा ये प्रीलिम्स एग्जाम है। तो आइए समझते हैं पहले बिंदु के साथ जो है अंडरस्टैंड द एग्जाम। हमें पहले इस परीक्षा को समझना पड़ेगा, क्योंकि भैया कहते हैं कि रण क्षेत्र में उतरने से पहले उस रण में उतरने वालों के बारे में, उस रण की डिमांड के बारे में, ठीक है, और आपको कौन कौन से संसाधन चाहिए उनके बारे में, और कौन सा तरीका अपनाना है उसके बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा। सीख हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत, महाभारत महाभारत महाभारत। ये आप सबने सुना है, ठीक है, महाभारत प्रोग्राम अगर देखा होगा तो बीते युगों से हम सीखें, पीछे की चीजों से हम सीखें। तो चलिए सीखते हैं। तो आरएएस एग्जाम की बात करें तो 3 लेवल का ये एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप, और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं।
तीन तरह के एग्जाम है, तीनों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है इसकी अलग डिमांड है, मेंस एग्जाम की अलग डिमांड है और इंटरव्यू की अलग। अभी हमारी डिमांड, हमारा फोकस सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए इस पहले टारगेट पर, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग वर्तमान में सिविल सेवा या आरपीएससी की सेवा उत्तीर्ण करके चयनित हो चुके हैं वो लोग भी पिछले प्रीलिम्स में फेल हो गए। जो सर्विस कर रहे हैं वो प्री क्लियर ना कर पाए तो इससे बड़ा चैलेंज तो क्या होगा, क्योंकि यहां श्योरिटी नहीं है, चीजें परिवर्तित होती हैं और समय के साथ जब चीजें परिवर्तित होती है तो उसी के साथ आपकी स्ट्रेटेजी और योजना भी बदलनी चाहिए। तो ये है वो पहला ग्राउंड जो आपको समझना पड़ेगा। 2023 का जो एग्जाम हुआ जिसका नोटिफिकेशन आपका 28 जून 2023 को निकला और 1 अक्टूबर को इसका पेपर हुआ, पर अभी मेंस इसका हाल ही में 21 को हुआ जिसमें मुझे भी सौभाग्य मिला वापस से बैठने का, ठीक है। तो उस पर हम बात कर रहे हैं, पंजीकृत अभ्यर्थी थे लगभग 6,97,000, पदों की संख्या थी 905, ठीक है। तो एक तरह से हम अमूमन देख सकते हैं कि एक पद पर लगभग 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यहां पर फॉर्म फिलअप किए। जब पेपर देने की बारी आई तो प्रारंभिक परीक्षा में 4,59,000, कितने 4,59,000 बच्चों ने यहां पर अपीयर, मतलब एक सीट पर लगभग 500 बच्चों ने यहां पर जाकर के परीक्षा दी और इनमें से उत्तीर्ण हुए 19,348, मतलब हर 33 बच्चों में से केवल एक बच्चे को प्रीलिम्स पेपर पास करने का मौका मिला। मैंने बात सही कही थी ना कि 33 में से 32 बच्चे फेल होंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम, अब 33 की जगह 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, हमें उस कंपटीशन को समझना पड़ेगा जो इस एग्जाम को लेकर के है। तो इन 32 या 33 बच्चों से आपका कंपटीशन सीधे सीधे है और उनको पीछे छोड़ने के लिए आपको कुछ अलग रणनीति, कुछ अलग तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। इनमें से भी आप देख सकते हैं जब मेंस एग्जाम आया तो यहां से लगभग 2600 बच्चे एग्जाम में ही ना बैठे, क्योंकि उनके लिए मेंस ऐसा हर्डल था, उनको समझ में नहीं आया करना क्या, बैठे ही नहीं। और फिर अगले दिन जब 2 पेपर हो गए उसके बाद फिर कुछ बच्चे कम हो गए। तो ये समस्याएं क्यों होती है, उसका कारण है परीक्षा के पैटर्न को ना समझना और तैयारी को अनुरूप, उस मांग के अनुरूप ना तैयार करना, ना चलाना जो ये एग्जाम करता है। तो उसे भी हम थोड़ा समझते हैं, तो उसके लिए पहले जानना जरूरी है हमें कट ऑफ के बारे में, एग्जाम की कट ऑफ कितनी होती है, क्योंकि ये कट ऑफ ही निर्धारित करती है आपका वो लक्ष्य, जो लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे इस परीक्षा के पेपर के लिए। तो ये 2023 के पेपर की कुछ कट ऑफ मैं आपके सामने दे रहा हूं। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही तय होती है आपकी कट ऑफ। तो 4,59,000 बच्चे जब इस एग्जाम में बैठे तब उनका जो है कट ऑफ कितना रहा, उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 100.69, मतलब सीधा सीधा 50%, कितना 50%। अब 50% के करीब अगर आपका कट ऑफ जा रहा है, जो कि पहली बार हुआ आरपीएससी के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ जब कट ऑफ 50% तक पहुंच गया। 200 में से जिस बच्चे ने 100 से ऊपर नंबर जनरल और बाकी कैटेगरीज में लिए, चाहे वो जनरल की शेड्यूल्ड एरिया हो या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, या फिर ओबीसी कैटेगरी हो, इन सबको इतना मार्क्स लाना पड़ा। एससी कैटेगरी को 91, एसटी कैटेगरी को 94 और एसटी शेड्यूल्ड एरिया में 84.60, ठीक है, इस तरह से कट ऑफ यहाँ पर गई है। महिलाओं की कट ऑफ 3-4 नंबर थोड़ी सी यहाँ पर कम रही, विडो कैटेगरी में तो वैसे भी कम रहती है, डीवी में भी ठीक ठाक कट ऑफ रही। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं 68 मार्क्स तक गई है, जिसको काफी अच्छा मान सकते हैं हम, ठीक है। और फिर इधर ये हॉरिजॉन्टल से जुड़ी हुई कट ऑफ, तो कट ऑफ आधे पर चली गई है। आखिरकार क्यों बढ़ रहा है इतना कंपटीशन? तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम की जो डिमांड है उसको कई ऐसे बच्चे फिल करते हैं जो मेंस में अपियर होने पर बेहतर नहीं कर पाते, तो जो लगातार उन सब्जेक्ट्स पर कमांड बना रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन और एग्जाम में भी बढ़ रहा है और पटवारी जैसे और बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करने वाले बच्चों की भी अच्छी खासी संख्या आरएएस जैसी परीक्षा का पेपर भी दे रही है और वो उस लेवल पर जाकर तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में देख लीजिए आपको क्या करना है,
आपको अब अपने टारगेट और हाई सेट करने पड़ेंगे, भले ही कट ऑफ ज्यादा जाए या ना जाए। क्योंकि जब नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है, उसे पता है कि 90 का तो टारगेट वो कर ही रहा है, लेकिन अब उसको और अच्छा करना है, तो उसको डेफिनेटली अगला जो भी होगा उसके लिए 92 और 93 मीटर का टारगेट सेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के गोल्ड मेडल मिलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर गोल्ड मेडल मिलना मुश्किल है। और हमारे यहाँ गोल्ड मेडल क्या है, हम उत्तीर्ण हों, और इसके लिए जरूरी है हम सिलेबस को समझें इस परीक्षा के। अब मैं आपको यहाँ सिलेबस का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांटने वाला हूँ, क्योंकि ये पहले ही आपको अवेलेबल है मार्केट में, जरूरत है कि आप उसे समझें और उसे पढ़ें। मैंने खाली आपके लिए काम किया है कि सिलेबस को प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को कंबाइंड करके एक पीडीएफ बना रखी है, अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से जाके और ये वाला जो सिलेबस है आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले लेना, चिपका लेना दीवार पे कहीं पे। इसको चिपका इसलिए लेना क्योंकि दोस्तों यही है जो कुछ है आपका जीवन का जो संविधान, जो सार आने वाले समय का, अगर आप इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, समझे, इसके बिना आपका काम नहीं होगा, ये आपकी आंखों के सामने हर समय होना चाहिए। और इसमें लिखी हुई एक एक बात जब कभी आपको कहीं पर भी दिखे तो वो आपके काम की है, इस बात को आप समझें। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मान लो कहीं पर भी आपको मध्यकालीन चित्रकला की बात की जा रही है तो वो आपके काम का है, अगर मान लो करंट अफेयर्स में कोई साइंस की बात की जा रही है तो वो आपके काम की है, अगर मान लो ज्योग्राफी में किसी पर्वत की बात की जा रही है तो वो आपके काम की है। तो जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, उसे आपको ग्रहण कर लेना है। कहीं पर चर्चा होते समय अगर राजस्थान की योजनाओं पर बात हो रही है, वो आपके काम की है। अखबार में लिखी हुई कतरनों में जिस जिस शब्द का वर्णन इस सिलेबस में किया गया और वो दिख जाए, वो आपके काम का है। ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा हर एक हिंदू को और कुरान हर एक मुसलमान को याद होती है, उसी तरह से आप लोगों के लिए यही आपकी हनुमान चालीसा है, यही आपका कुरान है, तो ये आपको याद होना चाहिए, समझे। चलिए, तो ये आप ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इसका लिंक दिया हुआ आपको, तो प्री और मेंस दोनों का मैंने कंबाइंड कर दिया है पूरा का पूरा सिलेबस। अब बात आती है कि सर इसमें से कहां क्या पूछा जाएगा, वो भी समझ लीजिए। पिछले पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूं सेक्शनल किस तरह से यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हो कुल मिलाकर के हम सात मोटे सेक्शन में इनको बांट सकते हैं। पहला है इतिहास कला संस्कृति, भारत का भी है और राजस्थान का भी है। इसमें से अगर हम देखें तो यहां से क्वेश्चन आते हैं निकल करके हमारे कितने, 26 क्वेश्चन आपके इतिहास कला और संस्कृति में से, सबसे ज्यादा 17%, ठीक है, देख रहे हो ना, 17% क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। फिर इसके बाद में भूगोल की बात करें तो 25 क्वेश्चन के करीब लगभग आपके भूगोल में से, तो वो भी लगभग 17%। देखो आप भूगोल और इतिहास कला संस्कृति, अब इसमें भी राजस्थान का अलग है, ठीक है, और इंडिया का अलग है, तो लगभग 16 क्वेश्चन आपके राजस्थान के हो गए और बचे हुए जो 8-9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपके इंडिया से लगभग आपके आते हैं। भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल में भी राजस्थान का सेक्शन ज्यादा है, ठीक है, 10 के करीब क्वेश्चन राजस्थान से पूछे गए और बाकी क्वेश्चन आपके अदर सेक्शन से पूछे गए। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में 21 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें भी इंडिया और वर्ल्ड जो इंडिया लेवल की है उसमें से लगभग 12 के करीब और बाकी 9 के करीब क्वेश्चन आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था से पूछे गए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था बेसिकली आपकी इकोनॉमिक रिव्यू जो है, जो राजस्थान सरकार हर साल पब्लिश करती है, उसमें से पूछे जाते हैं। तो अभी आपका जुलाई में इकोनॉमिक रिव्यू आया है, उसकी ओरिजिनल बेयर कॉपी आपको मार्केट में अवेलेबल है, च्यवन प्रकाशन से मेरी खुद की भी एक बुक पब्लिश हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो वो ओरिजिनल है बिल्कुल, तो उसमें करंट अफेयर्स भी आपके दिए हुए हैं, बजट पूरा दिया हुआ है, वहां से ओरिजिनल पढ़िए, क्योंकि ओरिजिनल में से ही प्रश्न बनेंगे, दिए हुए नोट्स बाहर के निश्चित रूप से आपको थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन जब अभी समय है तो आप विस्तार से चीजों को पढ़ेंगे, ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में संविधान और राज्य व्यवस्था, उसके प्रश्न हो गए, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी 17, गणित और रीजनिंग 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 19 क्वेश्चन। करंट के 19 दिख रहे हैं लेकिन होते ज्यादा है, कैसे, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे लगभग मान के चलिए 5-7 क्वेश्चन, संविधान राज्य व्यवस्था में भी आपके 2-3 क्वेश्चन जो संशोधन से इनसे जुड़े होंगे वो आएंगे, अर्थव्यवस्था में भी आपके 4-5 क्वेश्चन करंट के आएंगे, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलाकर के 30 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स का वेटेज यहां पर बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़े,
तो ये वेटेज आपको समझना है कहां से क्या पूछा जा रहा है। अब इस एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें। अब वो आसानी से आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां जाइए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसे अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने का एक और तरीका आपके पास और है, वो है प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को देखना। तो दोस्तों आरएस जंक्शन जो हमारा एप्लीकेशन है उसी पे हमारे पोर्टल पे मैंने आप सभी को उसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप सभी के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बना रखा है, आरएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर, बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कुछ नहीं करना, वहां जाकर मेल आईडी और उससे लॉगिन करना है। यहां पर ये क्विज फॉर्मेट में, मतलब प्रश्न उत्तर में, प्रश्नोत्तर के रूप में आपको ये मिलेगा। तो जैसे आप पेपर देते हैं ना, टेस्ट देते हैं, वैसे ही आपको मिल जाएंगे। तो मैंने हर प्रश्न को दे रखा, जैसे देखो प्रीलिम्स का 2023 वाला पेपर भी यहां मिल जाएगा आपको, यहां पर 2021 का पेपर मिल जाएगा, 2016 का पेपर मिल जाएगा, 2013 का पेपर मिल जाएगा। दीजिए और दे करके ये देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आपकी इस पेपर को लेकर के कितनी समझ है। और जब आप ये कर लें और जब आपको लगे कि हमें और ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता है, तो ऐसे में आपके लिए हमारा एक और कोर्स है जिसमें 2011 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर जो आरपीएससी ने करवाए हैं और जिनमें आपसे जुड़े हुए, आपके सिलेबस से जुड़े हुए प्रश्न है, वो सारे यहां पर अवेलेबल है। बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी इससे जुड़ करके और इन प्रश्नों का लाभ उठा सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले पेपर्स में से लगभग 30 प्रश्न 2023 के पेपर में स्ट्रेट पूछे गए, मतलब उसके ऑप्शंस में से हो सकते हैं या उसके प्रश्न में पूछे गए जो बिंदु है उनसे जुड़े हुए, ऐसे 30 प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछे गए। और हमको टोटल प्रश्न जो सही करने हैं उनकी संख्या थी पिछली बार 75, मतलब जितने भी 76 क्वेश्चन सही किए काट पीट के, उन स्टूडेंट्स को यहां पर सीधा सिलेक्शन मिला प्रीलिम्स में और वो मेंस में अपीयर हुए। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए, ये केवल बात करने की बात नहीं है, इस पर आपको काम भी करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज देख करके आपको क्वेश्चंस के पैटर्न का अंदाजा लगेगा, उनकी डिफिकल्टी का अंदाजा लगेगा कि कितनी कठिनाई के स्तर पर जाकर के आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आप एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम को समझने के बाद फिर बारी आती है एक प्लान बनाने की। एक प्लान बनाइए। इफ यू आर नॉट मेकिंग ए प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, मतलब अगर आप बिना किसी योजना के काम कर रहे हैं इसका मतलब आपने पहले ही फेल होने की योजना बना ली है। जो व्यक्ति अंधेरे में तीर चला रहा है उसका कोई तीर कभी निशाने पर जाकर नहीं लगेगा। तीर तो वो चला रहा है लेकिन वो टारगेट सेट नहीं कर रहा, वो एक प्लान नहीं बना रहा कि उसको किस तरह से काम करना है। तो प्लान बनाना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब प्लानिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो प्लानिंग में पहले आप कैटेगराइज कीजिए अपने गोल्स को। तो आप जो 7 या 8 आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ये देखिए कि आपका कौन से सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है, उसका पता चलेगा आपको उसके पेपर्स के क्वेश्चंस करने से। तो पीवाईक्यू उसको जब आप करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस सेक्शन में आप कमजोर हैं। आप इस समय किसी तैयारी के लेवल पर होंगे, अदर एग्जाम्स को आप तैयार कर रहे होंगे तो आपको इस पेपर की डिमांड पता चल चुकी है पहले। तो आप अब क्या करेंगे, अपने एकेडमिक गोल सेट करेंगे कि मुझे किस चीज में कहां कहां क्या पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने आपको सिलेबस का जो पीडीएफ बताया है उसमें मैंने आपको ये भी दिया है कि किस सोर्स से आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। तो सोर्सेस के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी मैंने वहां पर सब दे दिए, आप उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको वहां से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपनी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज को भी साथ में रखें, केवल पढ़ाई पढ़ाई में घुसे ना, प्लानिंग में वो चीज भी सम्मिलित होती है। रीशेड्यूल योर डे, आपको अपना जो दिन है उसमें आप क्या क्या करने वाले हैं उसको दोबारा से एक सारणी बनानी पड़ेगी, टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चूज योर गुड टाइम, सेट अ टाइम लिमिट, हर एक चीज को पूरा करने के लिए टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मैं इतनी दिनों में या इतने समय में इस काम को पूरा कर लूंगा। अगर आपने वो नहीं किया फिर से फेल, तो फेलिंग बार बार फेल होकर भी अगर हम नहीं सीख रहे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो अपने बचे हुए समय को, जितने दिन आपके बचे हुए उनके हिसाब से गोल सेट कीजिए और ये देखिए कि क्या आप उसे टाइमली कवर अप कर पा रहे हैं। तो ये प्लान आपको एक बनाना पड़ेगा कि आप डेली कितना पढ़ने वाले हैं, सुबह कितना पढ़ेंगे, शाम को कितना पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और ये आप खुद करेंगे।
कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने आएगा, या किसी दूसरे को देख करके आप इसे कर भी नहीं पाएंगे। तीसरी चीज आती है आपकी इसी में, टाइम मैनेजमेंट। एक बार प्लान जब बना लिया तो प्लान के साथ में आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप चेकलिस्ट बनाइए, जो जो भी आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया है, जो भी प्लान बनाया है, उसमें आप देखिए कि आपने पहला अपना काम पूरा किया है कि नहीं किया। तो चेकलिस्ट में आप टिक कर दीजिए कि हाँ मेरा ये काम हो गया। उसके बाद आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो मान लीजिए आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कौन सी प्रोपोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। वो ज्यादा जरूरी है, उस पर फोकस करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बी ऑन टाइम, हमेशा कोशिश कीजिए कि आपने वो काम जो आपने सेट किया उसको टाइम पर कर दिया। नहीं किया तो उसके कारण समझिए कि क्यों नहीं कर पाए, आखिरकार ऐसे क्या समस्या आन पड़ी थी कि हम अपने काम को छोड़ करके दूसरे कामों में लग गए, जबकि हमने तो पहले ही प्लान किया था। तो जब प्लानिंग करी ली तो वो फिर टाइम पर पूरी भी होनी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बहुत से डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे। राजस्थान में तो आप देख लो, अब शादी ब्याह आने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, दीपावली आ रही है, और भी बहुत त्योहार आ रहे हैं। खा पी करके बढ़िया खिचड़ा खा के सोना है तो बात अलग है, और आपको पढ़ाई करनी है, अपने गोल्स को टाइमली अचीव करना है तो अलग। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। रिमेंबर द डेडलाइन, हर चीज की जो डेडलाइन आपने सेट कर रखी है उसको याद रखिए, उसे भूलिए मत, तभी जा करके आप बहुत ढंग से, बहुत तरीके से अपने उस टास्क को पूरा कर पाएंगे जो आपने अलॉट किया हुआ है। टेक ब्रेक्स, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और एग्जॉस्ट होने के बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेवर पैनिक, कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो कुछ हो सकता है आपके, कई बार टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, उम्मीद से बड़े टारगेट्स रख लेते हैं तो उनको पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पैनिक नहीं होना है, उस समय आपने अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है। गिव योर बेस्ट एंड नोट डाउन द वर्क, अपना बेहतर दीजिए और हर काम जो आपने किया उसको नोट करते चलिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना कर लिया। इसके बाद आती है आपकी स्टेप फोर। तब आप अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा पूरा करते रहेंगे तो उसके साथ आपको प्रैक्टिसिंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया कोई भी थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकली उस काम को नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। ट्रेनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट अप्लाइंग द थिंग्स इन अ सिचुएशन ऑफ अ स्ट्रेस इज अ वेरी बिग टास्क। तो प्रैक्टिसिंग आपको शुरू करनी पड़ेगी, टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और उसका एकमात्र जो उपाय होता है वो होता है प्रैक्टिसिंग टेस्ट। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, PYQs को आप करेंगे तो PYQs से आपको पैटर्न का पता चलेगा और वहां से आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आता है प्रैक्टिसिंग टेस्ट। तो RS जंक्शन पे आपके लिए एक पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है, आप चाहे तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। उसका फायदा आपको केवल इतना होगा कि यहां जो पेपर बना रहा है वो कौन है, जिसने इस एग्जाम को प्रिपेयर किया है, जिसने खुद ने क्लियर किया है बार बार, तो ये सारे प्रश्न मैंने खुद ने तैयार किए हैं। तो मैं डिमांड को समझता हूं, तो इस तरह से आपको चीजें भी दे सकता हूं। तो ये हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कैटेगराइज होकर हर कैटेगरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, भाई किस कैटेगरी में कौन सा प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में ये वो हमारी टेस्ट सीरीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपको अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, और इस तरह से आपको इसमें सॉल्यूशंस का एनालिसिस मिलेगा। तो मान लो आप जिस सेक्शन में कमजोर हो, उस सेक्शन का डिटेल आपको मिल जाएगा, आपने उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने आपने छोड़ दिए, यहां से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कौन से और पोर्शन पर मेहनत करने की जरूरत है। और यहां से जब आप उस टारगेट को जो आपने सेट किया, जैसे 110 या 120 नंबर का जो भी टारगेट आप सेट करके चल रहे हैं, उसे आप अचीव भी कर पाएंगे। ये इस क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसका, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके आप और भी एस्पेक्ट्स को समझ पाएंगे। और फाइनली सबसे लास्ट चीज जो आती है वो है मोटिवेशन। आप अभी प्रेरणा अपनी बनाए रखें, बीच बीच में ऐसा समय आएगा जब आप बार बार एनर्जी लॉस कर देंगे, आपको लगेगा कि नहीं अब हो गया बस अब नहीं करना, लेकिन वहां पर फिर मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेशन कैसे आएगा, कुछ तरीके हैं जिनसे मोटिवेशन आ सकता है। आप छोटे गोल हमेशा रखिए, मतलब बड़े गोल नहीं, आप एक साथ नहीं कि मैं पूरा का पूरा इतिहास याद कर लूं, नहीं, आप सोचिए कि मैं इतना सा चीज जो है इसको याद करूंगा और इसके जुड़े हुए क्वेश्चन करूंगा, और जब आप उसमें सक्सेसफुल होंगे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। गेट सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, हमेशा याद रखिए, परिवार को अवॉइड मत कीजिए कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, नहीं, वो लोग हमेशा आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, उनका सहयोग लीजिए अपनी तैयारी में, लोगों का सहयोग लेना सीखिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आप भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, लोगों के सहयोग से ही आपके काम होंगे। हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर,
अपना जो पार्टनर है वो अकाउंटेबिलिटी वाला रखे, मतलब अपना जो भी व्यक्ति साथ में आपके जो भी माता पिता या कोई भी है, पत्नी हो गई, तो उन सबको आप जो है उनको रखिए कि वो आप पर नजर रखे, आपकी चीजों को देखें ढंग से, और आप अगर कहीं भी गड़बड़ कर रहे हैं तो वो उसको रोके। रिवार्ड योर सेल्फ, जैसे ही आप कोई भी टारगेट पूरा करते हैं रिवार्ड, कुछ भी रिवार्ड दीजिए। जैसे आपने चलो एक पेपर पूरा पढ़ लिया, खुद को कोई भी रिवार्ड दीजिए, गाना सुन लीजिए, एक छोटा सा कोई मूवी देख लीजिए, कुछ भी छोटा मोटा, लेकिन हाँ उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ही हो जो आपके बचे हुए क्वालिटी टाइम के लिए हो उसमें आपने कर लिया। कोई कुछ अपनी पसंदीदा चीज खा लीजिए, कुछ भी एक्स वाई जेड आप कर सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, हमेशा अपनी प्रोग्रेस पे नजर रखिए कि आप कितने प्रतिशत तक चीजों को कवर कर चुके हैं। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बातें कीजिए लगातार, खुद से अच्छी बातें कीजिए, नहीं यार मैं अच्छा कर रहा हूँ और करूंगा, अरे कोई बात नहीं है अभी और थोड़ा सा बदलाव होगा, अरे और होगा, अरे और होगा, इस तरह से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। सेट अ टाइमर, हर काम में एक टाइमर सेट कीजिए और उस टाइमर के अकॉर्डिंग उसे पूरा कीजिए। जस्ट डू इट, हम सोचने में रह जाते हैं अब ये कर लूंगा फिर ये कर लूंगा, अरे नहीं करिए, सोचिए मत, सोचने से काम नहीं होगा, करना होगा तभी काम होंगे। टेक ऑन ए स्मॉल प्रोजेक्ट फर्स्ट, पहले छोटे काम कीजिए, जब छोटा पूरा हो जाए तो उसके बाद बड़े कामों पर जाइए। चेंज थिंग्स अप, लिसन टू अपबीट म्यूजिक, म्यूजिक सुन करके या बाकी चीजों के माध्यम से भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली एक समय आएगा जब आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके स्कोर भी सुधरेंगे और फिर आपको लगने लगेगा कि अब दिल्ली दूर नहीं है, अब जो है हम आसानी से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। और निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार मुझे भी है और आपको भी है। तो दोस्तों ये छोटे सिंपल सिंपल चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आप जो है इस एग्जाम को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और बातों के साथ। धन्यवाद।